हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। सो जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेबस से मैं शुरू करूँ तो हमने यूनिट वन को कवर करना शुरू कर दिया था। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको लाइन सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल के बारे में बताया था। आज मैं आपके बात करूँगा ये डेल ऑपरेटर की। आप देख रहे होंगे यूनिट वन में ये डेल ऑपरेटर है और डेल ऑपरेटर के बाद बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, पे डाइवर्जेंस थ्योरम है, कर्ल है, स्टोक थ्योरम है, लाप्लास है। तो ये सब कुछ एक डेल ऑपरेटर पे ही बेस्ड होता है। तो डेल ऑपरेटर जब तक हम नहीं जानेंगे तो हमें आगे की हम चीज़ें कंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब मैं सीधे आपको डेल ऑपरेटर के पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो आप देखेंगे, ये देखिए मैंने ये डेल ऑपरेटर लिख रखा है कि डेल ऑपरेटर होता क्या है। तो अगर बाई डेफिनेशन बात करूँ आपकी, डेल ऑपरेटर सिंबल इसका जो होता है वो डेल ऑपरेटर का कुछ ऐसा होता है। बात करूंगा मैं, ये डेल बहुत नोन सिंबल है, आप बहुत सारे स्टूडेंट अवेयर होंगे। इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी इसकी हेल्प से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और ये एक ऑपरेटर है जो किसी पे ऑपरेट किया जाता है। तो अभी ये नया नया हो सकता है टर्म हो, नई डेफिनेशन हो, तो लग रहा हो कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सीधे की कि डेल, एक डेल ऑपरेटर जो आपका है, अगर कोई पूछे कि आपसे क्या ये एक वेक्टर है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नो, इट इज़ नॉट ए वेक्टर। इसके बाद अगर कोई ये बोले कि इट इज़ ए स्केलर, तो भी आपका आंसर होना चाहिए नो। फिर क्योंकि वेक्टर अगर आप इस बेसिस पे देखेंगे तो वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और जब आप डेल का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको कुछ मैग्नीट्यूड अचीव नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरी डायरेक्शन में आप सोचें कि डेल का, सर इसमें डायरेक्शन होती है, तो ये देखिए डेल का मैंने पूरा फॉर्म यहाँ पर लिख रखा है जिसमें ए एक्स भी है, ए वाई भी है और ए जेड भी है। अब आपको पहले, एक जो अच्छा स्टूडेंट होगा तो सबसे पहले वो ये बात पूछेगा मुझसे कि सर ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? आप कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं कि आप सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं कि आप स्फेरिकल की बात कर रहे हैं? क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम इतने वीडियोस सुनने के बाद एक अच्छे स्टूडेंट को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि जो भी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो तीनों अलग अलग सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। तो अभी आज जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ये जो डेल ऑपरेटर है मैं बताने वाला हूँ आपको किसमें, इन कार्टेशियन प्लेन और इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर इसको मैं जस्ट एज ए ऑपरेटर आपको कोई लिखने को बोले तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि मैं इक्वेशन 3.16 में लिख रखा है कि आपका डेल क्या है। तो डेल आप बताएंगे कि यार इसमें एक डी बाई डी एक्स होता है और ए एक्स का हम क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं। फिर ये क्या होता है, डी बाई डी वाई होता है, इसमें ए वाई का कैप लगाते हैं। इसी तरह हमारा प्लस करके ये डी ऑफ डी जेड होता है जिसमें हम ए जेड का कैप लगाते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का एडिशन करने के बाद ये मुझे एक डेल ऑपरेटर मिल जाता है। इस ऑपरेटर का यूज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, धीरे धीरे हम बात करेंगे। लेकिन जैसे कि हम स्टार्टिंग से बात करते आए हैं कि डेल ऑपरेटर का सिंपल अगर बात समझना हो तो आज मैं समझूंगा सबसे पहले ये डेल ऑपरेटर का सिंबल क्या है, फिर डेल ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है। तो मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने सामने लिख दी हैं। ये किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ ये भी बता दूं मैं दोबारा, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं। अब अगर आप यहाँ देखें कि ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये तो सर वेक्टर क्वांटिटी के यूनिट वेक्टर है। तो फिर अगर यहाँ पे मेरा आंसर नो लिखा था मैंने, तो फिर यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए यस, इट इज ए वेक्टर। तो बिल्कुल सही बात है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं होता उस हिसाब से नो, बट इज अ वेक्टर होता है, डायरेक्शन होती है, इसलिए इसका आंसर यस। तो फिर हम डेल को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ये बिल्कुल भी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम ट्रीट करेंगे। अब देखिए डेफिनेशन में आ जाऊं तो बात करूंगा इट इज दिस वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह। क्यों, आप देख रहे होंगे कि तीनों टर्म में इसके मैंने डिफरेंशिएशन किया है, डी बाई डी एक्स किया है, डी बाई डी वाई किया है, डी बाई डी जेड किया है। अदरवाइज नोन एज ग्रेडियंट ऑपरेटर, इसका एक और भी नाम है जिसे ग्रेडियंट ऑपरेटर, आपके सिलेबस में भी एक ग्रेडियंट शब्द मेंशन है, आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दैट इज अ ग्रेडियंट ऑपरेटर, इट इज, बट इट इज नोन एज। अब देखिए आगे डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज नॉट ए वेक्टर इन इटसेल्फ। ऐसा सोचिए क्यों लिखा है इसमें कि ये वेक्टर नहीं है, उसने ऐसा क्यों लिखा? तब कि आप यहाँ देख रहे हैं इसमें यूनिट वेक्टर अगर बात करूँ तो ए एक्स कैप है, ए वाई कैप है और ए जेड कैप है, तीनों के वेक्टर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई है,
जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ये एक वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड करता है, और डायरेक्शन डिसाइड हो रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ दैट इट इज नॉट ए वेक्टर। वाई? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या है, मैग्नीट्यूड में डी बाई डी एक्स है। अब आप सोच के देखिए, वॉट इज डी बाई डी एक्स? डी बाई डी एक्स इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, बट वॉट इज समथिंग दैट इज नॉट गिवन हियर, दैट्स वाई इट इज नॉट ए वैक्टर इन इट सेल्फ। अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेशन में बहुत साफ साफ लिखा है, इट इज नॉट ए वैक्टर। ये देखिए लास्ट में मैं रेड कर रहा हूँ, इट इज नॉट ए वैक्टर इन इट सेल्फ। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, इन इट सेल्फ मतलब कि ये स्वयं में एक वैक्टर नहीं है, बट किसी और को अगर ये ऑपरेट करेगा तो ये वैक्टर बना देगा उसको। अब ये थोड़ी सी बातें नई लग रही होंगी कि सर थोड़ा सा नए में नई बातें जब आती हैं तो माइंड उनको रिजेक्ट करता है, एक अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है, बट डोंट वरी, अभी मैं धीरे से मेरे साथ में रहिए आप, वीडियो के चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है बट व्हेन इट ऑपरेट, देखो वही बात हो गई, व्हेन इट ऑपरेट ऑन ए स्केलर फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल ए वैक्टर इन यूजर्स, मतलब क्या, मतलब ये कि जब आप किसी स्केलर क्वांटिटी को, इस ऑपरेटर को, डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर क्वांटिटी में ऑपरेट करा देते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अब इसके ऑपरेटर को मैं बहुत तरह यूज कर सकता हूं। देखिए चार तरह का यूज आपके सिलेबस में मेंशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, और चारों को मैं विद एग्जाम्पल लेके आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बात करूंगा। चलिए मैं पहली बात करता हूँ कि ये देखिए पहली बात, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वी रिटन एज। अब इसकी बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो वी लिया गया है, वी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो क्या मैं वी को एक्स स्क्वायर प्लस जेड लिख सकता हूं? यस, मैं लिख सकता हूँ। क्या मैं वी को एक्स वाई लिख सकता हूँ? यस, एक्स वाई इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक्स डॉट वाई, इसमें कोई भी यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं है तो इट इज नॉट ए वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आप मुझे सोच के बताइए, अगर ये मैंने डेल और वी कर दिया तो इसका आंसर क्या आने वाला है? अब देखिए, ना तो बीच में मैंने डॉट लगाया है यहाँ पे, ना क्रॉस लगाया है, और जो 12th अच्छे से करके आए होंगे उनको ये मालूम होगा कि जब भी मैं, अगर v मेरा स्केलर क्वांटिटी है तो ना तो मैं डॉट लगा सकता हूँ बीच में, ना क्रॉस लगा सकता हूँ, क्योंकि ना तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा ना ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो कब होता है, जब दोनों क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो। और मैंने अभी कहा कि v क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, v क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। तो अब अगर इसको मुझे ऑपरेट कराना हो तो देखिए मैं कैसे ऑपरेट कराऊंगा ग्रेडियंट को, आगे मैंने एक एग्जांपल लेते हुए आपको बताया। सपोज करिए ये यू मान लीजिए, ये हमारा गिवन है, गिवन क्या है देखिए बात करते हैं जरा, आज क्वेश्चन है ये, मान लीजिए ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में वो आपसे जानना चाहता है कि आप इसका ग्रेडियंट निकालिए। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेल को ऑपरेट करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारा यू, यू बराबर क्या गिवन है, यू बराबर गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड। अब बात करें इसी सर डेल की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर ऊपर की, डेल की डेफिनेशन डी बाई डी एक्स हो गया, ए एक्स हो गया, प्लस मैंने फिर लिखा डी बाई डी वाई ए वाई। इसमें मुझे कुछ याद नहीं करना, बस एक समझते हुए डेफिनेशन समझना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्यों लिखा, आपने एरो ए फाई और ए जेड के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? अगर ये किसी स्टूडेंट के माइंड में ये बात आती है तो ये समझ लेना वो एकदम सही डायरेक्शन में स्टडी कर रहा है, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट को ये बात ज़रूर दिमाग में आनी चाहिए कि सर आपने ये डेल को एक्स वाई जेड के फॉर्म में क्यों लिखा, आप इसको रो फाई जेड के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा आपने। अब अगर इसका आंसर मैं दूंगा आपको तो ये दूंगा, आप जरा ध्यान से इसकी स्केलर वेक्टर देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है, या आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको रो फाई थीटा दिखाई दे रहा है, या आपको आपको स्मॉल आर थीटा फाई दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक्स कामा वाई कामा जेड दिखाई दे रहा है, या आपको रो फाई जेड दिखाई दे रहा है आपको, या आपको इस आर आर थीटा फाई दिखाई दे रहा है।
इन तीनों में से क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आपको एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है तो फिर ये कहाँ पर होगा, कार्टेशियन प्लेन, और अगर आपको रो फाई जेड दिखाई दे रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा सिलिंड्रिकल प्लेन में, और अगर आपको आर थीटा फाई दिखा रहा है तो ये काम कहाँ होने वाला है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मुझे तो यहाँ पर एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है इस यू में, इसलिए ये किस में है, कार्टेशियन प्लेन में, इसलिए मैंने जो डेल की वैल्यू लिखी है वो कार्टेशियन प्लेन में लिखी है। अब फिर हो सकता है आपके मन में सवाल हो कि सर सिलिंड्रिकल प्लेन में डेल की वैल्यू और स्फेरिकल प्लेन में डेल की वैल्यू क्या होती है, वो हमें बताइए। तो मैं उसकी बात आगे करूंगा, लेकिन बात जरूर करूंगा, क्योंकि ये मैंने कहा ना सारी बातें मैं सिलिंड्रिकल कार्टेशियन स्फेरिकल तीनों सिस्टम में बात करूंगा आपसे, लेकिन वन बाई वन। तो चलिए आज अगर डेल का ऑपरेटर निकालते हैं, तो आज मुझे यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट बराबर क्या होता है, जैसा कि आपको पता है किसी भी डेल को अगर आप उसमें ऑपरेट कर दें तो ये ग्रेडियंट बन जाता है। ये देखिए ये मेरा ग्रेडियंट बन गया। अब मैं ग्रेडियंट बन गया तो कैसे लिखने वाला हूँ, देखो ऐसे लिखूंगा डी बाई डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी वाई डी वाई ए वाई कैप प्लस डी वाई डी जेड ए जेड कैप। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डेल हो गया। अब मैं यू को लिखूंगा तो यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड, यही है। सबको समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत सिंपल सी बात करी है मैंने, डन। अब इसको मैं देखूंगा कि ये क्या कर सकता हूँ, मैं ये पूरा का पूरा हर वेक्टर के अंदर जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फिर यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड ए एक्स प्लस डी अपॉन डी वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड ए वाई कैप प्लस डी अपॉन डी जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड ए जेड। अंदर तीनों को मैंने इसके स्केलर क्वांटिटी को, ये वाली जो स्केलर क्वांटिटी दी है देख रहे हैं आप, ये मैंने अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से मैं बात करूंगा, जो डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो बहुत कंफर्टेबल होंगे, उनको मालूम है कि अगर इसमें मैंने डी वाई डी एक्स का ऑपरेटर लगा रखा है इसका मतलब है कि वाई और जेड कैसे ट्रीट होंगे, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो फिर वाई और जेड अगर कॉन्स्टेंट है तो इसमें क्या बनने वाला है मेरा, टू एक्स को तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन करके लिख दिया और वाई एज ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा, प्लस इसमें वाई और जेड क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट है, तो मैं वाई और जेड कॉन्स्टेंट लिख दूंगा और ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, और यूनिट वैक्टर तो एज इट इज रहेगा। प्लस इसमें मैं क्या रखूंगा, वाई के रेफरेंस में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मेरा एक्स और जेड जो है कांस्टेंट रहेंगे, तो मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया प्लस एक्स इंटू जेड कर दिया, ये मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, और ए वाई प्लस, अब मैं इसके डी एक्स और जेड वाई को कांस्टेंट लूंगा क्योंकि मैं जेड के डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ जेड के रेफरेंस लेके, तो फिर मैं इसको जीरो प्लस एक्स वाई कर दूंगा, ये मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा ए जेड। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसके डिफरेंशिएशन करते समय दे फील वेरी कंफर्टेबल, शायद उनके पुराने बेसिक्स बहुत अच्छे हैं इसलिए उनको ये यहाँ तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स, बट बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है इसके डिफरेंशिएशन करने में ही प्रॉब्लम आ जाए। इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनके जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है 12th लेवल का वो थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, बट इट डजेंट मैटर, मैं इसीलिए आपके जीवन में आया हूँ। आप मुझे कॉल करें या डाउट सेशन अलग से आप सेशन प्लान कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको आपके 12th लेवल का इंटीग्रेशन भी क्लियर कर दूंगा। अब देखिए इसी में अगर मैं वाई को कॉमन ले लूँ तो ये मैंने वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा, टू एक्स प्लस जेड ए एक्स प्लस, इसमें मैंने एक्स को कॉमन ले लिया तो ये एक्स प्लस जेड बचा, ये बचा ए वाई प्लस, ये मेरा एक्स वाई हुआ और ये मेरा ए जेड है। तो आप देख रहे हैं ये मैंने क्या किया, ये देखिए पूरा का पूरा मैंने जो है ग्रेडियंट निकाला है किसका, यू का, ये पूरा का पूरा, और ये क्या हो गया मेरा, यही मेरा आंसर हो गया है। अब आप देखेंगे जो मैंने आंसर गिवन है नीचे लाइन में देख रहे होंगे आप, ये आंसर गिवन है, आप इससे मैच करा सकते हैं और एक फाइंड आउट। अब एक अच्छे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जो प्रैक्टिस बेस्ड आपका बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, वो ये कि आपको इस वीडियो को स्टॉप करना है और इसी न्यूमेरिकल को खुद से आपको अपना ट्राई करना है, एक बार सेम न्यूमेरिकल देखें आप दोबारा करके, कहीं स्लिप मिस्टेक तो नहीं हो रही आपसे, डन ओके।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था आपसे एक एक पॉइंट, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो अब दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये डाइवर्जेंस का। ये देखिए आप, सेकेंड पॉइंट क्या है, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस जो होता है वो किसी वेक्टर के ऊपर ही अप्लाई होता है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैंने कोई स्केलर क्वांटिटी के ऊपर डेल को ऑपरेट कर रहा हूँ तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ। और मैंने वो नंबर वन, देखिए आप ग्रेडियंट की बात मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब सपोज करिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए क्या है, ये मैंने ए लिख दिया। ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब एक एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी में मुझे डेल के ऑपरेटर को ऑपरेट करना है, तो इसके ऑपरेट को जब मैं करूंगा तो वो जो टर्म निकल के आएगा उस टर्म को क्या बोलूंगा मैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। अब ये देखिए, ये मैंने डेल लगाया, अब इसके ऊपर ऑपरेट किया मैंने, ए के ऊपर ऑपरेट कर दिया। अब सोचिए डेल क्या है, डेल भी वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन इसमें यूनिट वेक्टर्स होते हैं आपको मालूम है। ये देखिए, ये मैंने ए एक्स, ए वाई और ए जेड लिख रखा है, इसका मतलब इसमें क्या है, तीनों यूनिट वैक्टर्स हैं। और ए इट्सेल्फ, ए क्या है, वो भी एक वैक्टर है। तो जब दो वैक्टर हैं तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, या तो डॉट लगाऊं या तो क्रॉस लगाऊं। तो डाइवर्जेंस अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें डॉट लगाना पड़ेगा, आपको डॉट लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं ए डेल डॉट वेक्टर ए लिखता हूं तो इसको जो नाम देंगे वो क्या देंगे आप, डाइवर जेंस ऑफ ए। यानी आज के बाद अगर आपसे कोई कहे कि ए वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालो तो आपको क्या करना है, जस्ट उसमें डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर देना है और डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट कहें सर आपने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, तो मैं बोलूंगा यहीं पे आपको मैं बता दूं। देखिए डेल अगर मैं लिखूंगा और क्रॉस लिख दूं और ए लिख दूं, इसका मतलब क्या है, मैंने डेल को ऑपरेट किया और क्रॉस प्रोडक्ट से ऑपरेट किया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कर्ल ऑफ वैक्टर ए। ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन देखो ये पॉइंट नंबर टू है और ये पॉइंट नंबर थ्री है जो मैंने लिखा हुआ। मैंने कहा आपसे मैं वन वन बात करूंगा, पॉइंट वन की, टू की, थ्री की। वन की बात कर ली मैंने, ग्रेडियंट आपको बता दिया डिटेल में। ये देखिए ग्रेडियंट का हमने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब मैंने आपसे बात की डाइवर्जेंस और कर्ल की। तो अगर आप डेल को डॉट प्रोडक्ट कर देते हो तो क्या हो जाता है, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ये डाइवर्जेंस बन जाता है, और डेल को जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हो तो यही आपका क्या बन जाता है, आपका कर्ल ऑफ ए वेक्टर बन जाता है। अब आप बोलेंगे लाप्लास सर आपने चौथे पॉइंट पे लिखा है ये लाप्लासियन, इसका क्या मतलब है, तो मैं बोलूंगा अगर ध्यान से देखें तो आप ये देखिए डेल स्क्वायर वी, डेल स्क्वायर वी इज ए लाप्लासियन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप देखिएगा ये है मेरा लाप्लासियन आपको निकालना है अगर, तो इसमें आप अगर बाई डेफिनेशन आप जाएंगे तो फॉर्मूले में क्या गिवन है आपका, डेल स्क्वायर वी। अब डेल स्क्वायर का वी का मतलब होता है कि पहले आप डेल ए कैसे लिख लें, दूसरा डेल ऐसे लिख लें और वी लिखें। अब मुझे बताइए कि अगर वी एक स्केलर क्वांटिटी है तो क्या इसके बीच में डॉट लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसको तो मैं डॉट नहीं लगाऊंगा, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब ये डेल वी एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये वाली, तो मैं बोलूंगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी डेल किसी स्केलर पे ऑपरेट होता है तो उसको क्या करता है, वो वेक्टर बना देता है। थोड़ी नई नई बातें हैं, थोड़ा सा अजीब सी, एक नए टर्म में थोड़ा उलझन होती है दिमाग में, लेकिन आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, थोड़ा मनन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द थिंग्स। जैसे मैंने अभी बोला कि डेल एक वेक्टर नहीं है, लेकिन डेल जब किसी स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट होता है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बना देता है। तो अब डेल वी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर ये भी वेक्टर है और डेल में भी यूनिट वेक्टर होते हैं, तो मैंने कहा दो के बीच में अगर दोनों वेक्टर लग रहे हैं आपको तो फिर क्या, डॉट या क्रॉस होना चाहिए। तो लाप्लासियन में हम यहाँ पर डॉट लेते हैं, तो ये डेल डॉट डेल वी, अगर मैं लाप्लासियन एक्सप्लेन करूँ तो कुछ ऐसे एक्सप्लेन करूँ। तो ये डेल ऑपरेटर क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम में, और उसको हम चार तरह कैसे अलग अलग ग्रेडियंट,
जैसे मैंने पहला पॉइंट अगर आप देखें ग्रेडियंट, फिर मेरा डाइवर्जेंस, फिर मेरा तीसरा पॉइंट कर्ल और लाप्लासियन। ये चार चीजें आप डेल के ऑपरेटर की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। और आज वीडियो का मकसद मेरा बस इतना ही था आपको बताना कि डेल को ऑपरेट करके ये चार चीजें कैसे निकालते हैं। लेकिन सिस्टम कौन सा लिया है मैंने? आई हैव टेकन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यू मस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज कार्टेशियन के अलावा अभी हमारे पास दो सिस्टम और हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, तो उनकी बातें भी खुल के करेंगे, लेकिन आज वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। तो अब देखिए मैंने एक एग्जांपल भी ग्रेडियंट का ले लिया है, उसके बाद मैं ये डाइवर्जेंस और कर्ल का भी एग्जांपल लूंगा, लेकिन अभी नहीं, आपके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उस पे लूंगा, जिससे आप भी कंफर्टेबल फील करें, राइट? तो अभी मैं आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो नाउ एंड ओके, थैंक यू।